हे गाइस, स्वागत है आप सबका स्वादिष्ट रेसिपीज में टेस्टी सी वेज कोफ्ता की रेसिपी के साथ। तो आज की रेसिपी थोड़ी अलग है क्योंकि आज दो दो रेसिपी बनने वाली है एक ही वीडियो में। पहली तो ये टेस्टी सी वेज बॉल्स और उसे हम लोग ग्रेवी में डिप कर देंगे तो ये बन जाएगी वेज कोफ्ता। इसके लिए ना मैंने ले ली है स्प्राउट्स वाली मूंग, थोड़ी सी हेल्दी वर्जन के लिए। तो इससे हम लोग वेज बॉल्स बना लेंगे। तो इस वेज बॉल्स के लिए मैंने मूंग को थोड़ा मिक्सी में चर्न कर लिया, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करनी है, हल्का दरदराई पीसना है। फिर 100 ग्राम के करीब बंदा गोभी को अच्छे से चॉप कर लिया, आलू को कद्दूकस कर लिया, प्याज को काट लिया बारीक बारीक, थोड़ी लहसुन की कलियाँ ली है 8-10 और अदरक को कद्दूकस कर लिया, 3-4 हरी मिर्च, स्वाद अनुसार नमक, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून से थोड़ा कम कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1 टेबलस्पून टमाटो केचप, बस धनिया की पत्तियां डालनी है, बिल्कुल इसमें कंजूसी नहीं करनी है, ये अच्छे से डालेंगे और मिक्स करके सारी चीज़ों को रेस्ट होने के लिए छोड़ देंगे कम से कम 5 मिनट। तो सारी सब्जियाँ पानी छोड़ेगी तो ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी। तो 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं इस तरह की है। अब इसमें मैंने डाल दी 1/2 कप मैदा और 1/2 कप बेसन। मैदा से बहुत ही ज़्यादा अच्छी बाइंडिंग आएगी तो ज़रूरी यूज़ करें आप। मैदा की जगह पे आप आटा भी डाल सकते हो बट मैं सजेस्ट करूँगी इसमें आप मैदा ही डालें। फिर इस तरीके से बॉल्स बना के आप इसे फ्राई कर लें। यहाँ पे मैंने इसलिए बोला रफ़ रफ़ पे आप काट सकते हो सब्जियों को क्योंकि कोफ्ते में और भी ज़्यादा बारीक काटनी होती है सब्जियाँ ताकि ना बिल्कुल जो हम लोग बॉल्स बनाएं बहुत ही ज़्यादा अच्छी बने। लेकिन इसको आप एज ए स्नैक भी यूज़ कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा कुरकुरी और टेस्टी बनी थी ये। बस इसके ऊपर थोड़े चाट मसाला स्प्रिंकल करो और आप इसे इंजॉय करो। अब बात आती है अगर इसकी ग्रेवी बनानी है तो पैन में जिस ऑयल में मैंने फ्राई किया था वही ऑयल ले ली मैंने 1 टेबलस्पून, इसमें डाल दिया 2 तेज़पत्ता। अब रफली चॉप की हुई 2 प्याज ले लेनी है, 3-4 हरी मिर्च, अदरक, सारा कुछ मैंने काटा नहीं है ज़्यादा क्योंकि हम लोग इसे भून के इसे मिक्सी में पीसने वाले हैं इसलिए इस तरह से काट के डाल दिया। अब डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच लहसुन का पेस्ट, स्वाद के अनुसार नमक, थोड़ी सी हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर और ये कुछ खड़े मसाले हैं जैसे काली मिर्च, 2-3 लौंग, 1 इलायची और दालचीनी। सारी चीज़ों को लो मीडियम फ्लेम पे मैंने अच्छे से भून लिया है। लहसुन का पेस्ट मैंने इसलिए डाला क्योंकि मेरे पास थी, आप इसकी जगह पे ऐसे ही लहसुन की कलियों को भी छिलका उतार के इसमें डाल सकते हो। फिर 1 मीडियम साइज़ की टमाटर को रफली चॉप करके डाल दिया इसमें। सारी चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे। टमाटर जब अच्छे से गल जाए तो पता चल जाएगा कि वो भून गई। तो गैस को कर देंगे ऑफ, उस मिक्स को ठंडा करके इस तरह से मैंने पीस लिया है और यहाँ पे 1 कप दही को अच्छे से मैंने फेंट लिया था और उसी में इस मसाले को मिक्स कर देंगे। ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग बनी थी गाइस, ज़रूर ट्राई करना। और आपने देखा ही बहुत ही ज़्यादा बेसिक इंग्रेडिएंट के साथ मैंने इसे बनाया है, ये बहुत ही यम्मी बनी थी। मैं बार बार बोल रही हूँ आप ज़रूर बनाना, पक्का ही आपको और आपकी फैमिलीज़ को ज़रूर पसंद आएगी। और अगर रेसिपी अच्छी लगेगी तो मेरे चैनल को बिना सब्सक्राइब किए प्लीज़ मत जाना, सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी ज़रूरी शेयर कर देना। तो वो ग्रेवी बन के रेडी हो गई, अब हम लोग ग्रेवी को थोड़ा सा छौंका लगाएंगे। तो इसके लिए मैंने पैन में ले लिया 1 बड़ा चम्मच घी, उसमें मैंने डाल दिया वही मसाले वाला तेज़पत्ता जो कि निकाल करके रखा था पहले से। फिर वो ग्रेवी डाल देनी है, ग्रेवी डालने के साथ फ्लेम को हाई करेंगे और कंटिन्यूसली इसे स्टर करेंगे जब तक इसमें बॉईल ना आ जाए, नहीं तो हमने दही जो डाला था ना वो फट भी सकती है। अच्छा, एक बात और आती है कि अगर आपके पास दही ना हो तो आप क्या करो, इसमें आप 1 कप दूध डाल सकते हो और 1 बड़ा चम्मच फ्रेश मलाई अच्छे से विस्क करके इसमें मिला दो, उससे भी टेस्ट अच्छा हो जाता है। तो जब इसमें बॉईल आने लगी तो मैंने फ्लेम को कर दिया लो और सारे वेज बॉल्स यानी कि कोफ्ते इसमें डाल देनी है और लो फ्लेम पे ही इसमें डाल दिया मैंने धनिया की पत्तियाँ और सारे बॉल्स को ग्रेवी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मेरी रेसिपी अगर आपको बहुत अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़े, आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। और बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी ना रेसिपी तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी ज़रूर शेयर कर देना। तो इस तरह से ग्रेवी में मिक्स करने के बाद जब सारे कोफ्ते में ग्रेवी अच्छे से कोट हो जाए ना तो गैस को कर देंगे ऑफ और नो झंझट वाली इंस्टेंट वाली टेस्टी वेज कोफ्ता इज़ टोटली रेडी फॉर सर्विंग। पराठा, चपाती या प्लेन राइस के साथ सर्व करें और इन्जॉय करें।